यो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गेमर केकेबी। और एक और अनबॉक्सिंग, थोड़ी लेट बट ले आया मैं 10K स्पेशल में, और 10K भी होने वाले अपने। तो सही, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो आज मैं अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ रेडमी K20 प्रो की। फ्यूचर में एक और अनबॉक्सिंग मानी वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। और मैं इसकी स्पेसिफिकेशन आपने देखी होगी, क्वालकम स्नैपड्रैगन 855, 48 MP रेयर कैमरा है, 20 MP पॉपअप सेल्फी कैमरा है, एमोलेड डिस्प्ले है, और UFS 2.1 की स्टोरेज है। तो बहुत बढ़िया चीज़ है और मेरे को बड़ी अच्छी लगी। एंड 4000 mAh बैटरी है। तो इसके साथ क्या, इस एक बैक कवर आता है, मीन्स वो ट्रांसपेरेंट वाला नहीं है, बहुत अच्छा है। और आपके मतलब 1-2 साल तो ये चल जाएगा कवर। देन आपको पैक के अंदर ये मिलता है, और मैंने पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर ली थी, रुका नहीं गया। तो गाइज़ आपके लिए अब वापस करनी पड़ी मुझे, 1 हफ्ते बाद मैंने वापस की थी। तो आप देख सकते हो गाइज़, मैंने ग्लेशियर ब्लू मेरे पास कलर है गाइज़। एंड इसके अंदर सिर्फ 2 ही वेरियंट आते हैं, 6 128 GB, 8 256 GB वाले वेरियंट आते हैं। और आप में से जो भी अच्छा लगे तो ले लेना, क्योंकि ओपी फ़ोन है, अभी भी मेरे को लगता है वर्थ है ये। और पबजी फ्री फायर दोनों बहुत स्मूथली रन करते हैं गाइज़। तो अब गाइज मैं आपको कुछ स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ फ़ोन के बारे में। तो MIUI 12 पे आपको, अगर आपको लेना है तो ये MIUI 11 पे आएगा, कुछ वर्जन है मुझे याद नहीं है, बट अभी MIUI 12 पे चलेगा। ये बिल्कुल आईफोन वाली फीलिंग देता है। और गाइज मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे आप गेमर्स हो तो मैं आपके लिए डायरेक्ट गेमिंग पे चलता हूँ। और इसमें एक गाइज क्लीन वगैरह सब होता ही, आपको पता है अगर MI यूज़र हो तो। गाइज इसमें गेम स्पेस मोड है जो बहुत अच्छा है गाइज, मीन्स आप कुछ भी कर सेटिंग्स देखो, अगर आप प्लस पे आइकन पे क्लिक करते हो तो आपको और गेम ऐड करने को मिल जाएंगे इधर। एंड अगर सेटिंग्स पे क्लिक करते हो एडवांस सेटिंग्स आ जाएगी। एडवांस सेटिंग्स में जाके आपको मैं कुछ बता देता हूँ। देखो गाइज ये सब कुछ आता है, गेमिंग शॉर्टकट वगैरह। तो आपको जो भी गेम ज़्यादा खेलते हो, जैसे मैं फ्री फायर खेल रहा हूँ, तो इसमें टच रिस्पॉन्स, टच सेंसिटिविटी, जैसे कभी कभी ग्लोबल लेट लगती है, या फिर पबजी में ग्रेनेड जो डैमेज लगती है उसके 2-3 सेकेंड का डिले आता है, वो नहीं होगा। और ग्राफिक्स भी आप सेट कर सकते हो गाइज़। तो मैं अब आपको डायरेक्ट गेम पे ले चलता हूँ गाइज़ फ्री फायर पे। और अगर जिसको हैंड कैम गेम प्ले देखना है, इसके जस्ट बाद ही है वो, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम तो गाइज़ अपन हैंड कैम पे ही चलते हैं डायरेक्ट। तो मैंने गाइज स्टार्ट करते ही सबसे हाईएस्ट मोड पे रखा था इसको, मींस अल्ट्रा प्लस ब्राइटनेस ऑन वगैरह वगैरह वगैरह। तो गाइज़ ओपी, मतलब बिल्कुल भी स्टटर्ड या लैग नहीं हुआ मेरा। और विदाउट मतलब जो FPS होता है, 30 FPS पे फ्री फायर चलता है या 60 मुझे पता नहीं, बट ये मेरा 30 दिखा रहा था। और मेरा कॉन्स्टेंट FPS आ रहे थे 25 to 28, और 30 तो लिखा ही नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या सीन है। तो इसमें गेमिंग मोड के अंदर आप, जैसे मैंने एक स्वाइप अप किया, रिकॉर्डिंग हो सकती है, आप इंस्टाग्राम चला सकते हो, मतलब कैंपर्स के लिए ये फ़ोन एक नंबर है, ठीक है। और मैं कैंपर ही बनने वाला हूँ, और स्क्रीनशॉट ले सकते हो ऐसे। और गेमिंग मोड के अंदर आप मतलब किसी घर पे बैठ जाओ, आराम से यूट्यूब चलाओ, कुछ भी चलाओ, मीन्स MI ब्राउजर चला सकते हो, फेसबुक चला सकते हो, सब कुछ चला सकते हो। और देखिए गाइस, ट्रेनिंग मोड पे थोड़ा बहुत गेम प्ले देख लीजिएगा, मेरा इतना अच्छा नहीं है, बट गाइस मैंने ट्राई किया इस फोन पे खेलने का, और अब मेरा जो गेम प्ले वो बहुत सुधर चुका है। DPI VPI मैं यूज़ नहीं करता हूँ गाइस, सिंपल है, अपन 100 सेंसिटिविटी पे खेलता हूँ। और इसमें 60 पे खेल रहा था इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही थी मुझे, मैंने उस वक्त सेट नहीं की थी, और जब आता है शायद 60 पे आती है और मुझे पता नहीं था। तो कभी भी आप जो फ्री फायर सेंसिटिविटी देता है उस पर मत खेलिएगा, ये तो मैं बोलूँगा ही। और 100 सेंसिटिविटी पे ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा होगा। एंड आई एम ए डिफ़ॉल्ट प्लेयर, ठीक है। और अगर गेम प्ले अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। और एक और फ़ोन की अनबॉक्सिंग आने वाली सून गाइज, इसी मंथ या अगले मंथ पता नहीं, बट आने वाली है। एंड गाइज 10K के बहुत क्लोज है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, सी यू लेटर।